आप दोनों टीमों के प्लेयर सूची अभी तक यहां उपलब्ध नहीं कराई गई है। जीएस ब्रदर्स नेदराडी टीम्स की आप अपना प्लेयर सूची टीम की उपलब्ध करा दें अनाउंसिंग बुथ पर, और वहीं एसईआर रेलवे आप भी अपना प्लेयर सूची फिर से एक बार जोड़ना चाहूंगा इस कमेंट्री कॉम बॉक्स पर आदरणीय राजन कर्मा जी। चलिए दादा, जिस प्रकार आपने वाणियों की बौछार करी एसएमसी, बिल्कुल आज भी हम आशा करेंगे ये वही टीम जो एक दूसरे के आमने सामने एबीसी पूर्णिया के बारे में भी आपने जिक्र करी थी, वहां की विजेता टीम सारना मार्शल क्लब जोजोड़ी वहां उस टूर्नामेंट को जीते थे। जीएस ब्रदर्स नेदराडी फिर से आज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर सारना युवा संघ बन एक किकस जर्सी नंबर 6 पहली अटैम्प्ट पाने वाली है प्रदीप, अच्छी हवा में लहराती हुई गेंद लेकिन सीधे चली गई साउथ ईस्टर्न रेलवे इस टीम के गोलकीपर के पास। बड़े बड़े नाम बड़े बड़े चेहरे इस समय स्वयं राकेश गोप इनके पास भी काफी स्किल पावर और काफी ड्रिबलिंग पावर रखते हैं। सनी पूर्ति, विकी बोंद्रा, कीर्ति सरदार, जयराम हाजदा, सुनील डागिल, ये है खेमा साउथ ईस्टर्न रेलवे। थोड़ी सी नजर अगर आप जीएस ब्रदर्स की ओर डालें तीयू सरमंतीयु और इनके अलावा अगर दूसरे खिलाड़ी को देखें तो यहां थोड़ी सी कुछ खिलाड़ी नए और कुछ खिलाड़ी काफी नामचीन। ये पहली थ्रो इन होगी मैच का और जीत जरूर करे थे जीएस ब्रदर्स। और राजन दोनों ही टीमों के अगर यहां फिर से एक बार बात करें तो नॉकआउट्स मैचेस के तमाम धुरंधर दोनों ही टीमों में सम्मिलित और पहला जीत और पहली गोल की अभिलाषा को लेकर दोनों ही टीमें मजबूत और बुलंद मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ, और खास करके अगर बात करें तो दोनों ही टीमों की ये पहला मुकाबला और पहला मुकाबला वो मुकाबला होता है जिसमें सब कुछ परखने और जांचने होते हैं, पिच को भी परखना होता है जांचना होता है और वही प्लेयर्स को भी जांचनी और परखनी पड़ती है। तो पहला मैच जो होता है दोनों ही टीमों के लिए आमतौर पर अगर फुटबॉली भाषा में कहें तो सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाता है, और इस मुकाबले पर जो भी टीम बाजी मारती है तो उस टीम में जो आत्मविश्वास होता है उस आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं देखी जाती है, और ये बढ़ोतरी तब होती है जब आत्मविश्वास बढ़ता है। पहली जीत को लेकर अपने आत्मविश्वास को बनाना चाहेंगे। फिलहाल तो गेंद राकेश के पास, राकेश में वो अभिनेती है, कोई फाउल नहीं वहां, मौखिक अनुरोध फाउल घोषित करने की रेफरी से, लेकिन रेफरी लियोन का इशारा करते हुए फिलहाल विकी के द्वारा डाला गया गेंद छोर को बदला गया है ठीक सेंटर पद रेखा के करीब लंबी पास। रेलवे की टीम फिर से एक बार राकेश चेंज किया अपने छोर को, अपने पाले पर गेंद को रखना चाहते थे, थोड़ी सी जल्दबाजी की है, वहां हेमंत गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं
सेकेंड राउंड की पहली मैच इसके बाद वाली मैच के लिए शुक्ला एफसी सोनरो वर्सेस नारायणपुर एफसी। सेकेंड राउंड की पहली मैच कुछ क्षणों के तत्पश्चात शुक्ला एफसी सोनरो वर्सेस नारायणपुर एफसी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। शुक्ला एफसी सोनरो वर्सेस नारायणपुर एफसी। कॉपी सोए और राकेश को लेकिन प्रतिद्वंदी है अलग अलग टीम से, लंबे कदकाठी और लंबाई के साथ साथ अपने दो पैरों के बीच में फुटबॉल को जिस प्रकार ड्रिबल कराते हैं ये देखने लायक का होता है। उधर से अगर आप गोपी को देखें मिनिमम चार खिलाड़ियों को ड्रिबल पावर दिखाने की उनमें भी वो क्षमता है जब त्रिलोक स्पोर्टिंग पोंडा कटा में जब भिड़त हुई थी। हालांकि गोपी सोए टूर्नामेंट से बाहर हो गए लेकिन क्या लाजवाब फुटबॉल खेले दादा। वहां आप थे मैं थे काफी करीब से हमने मैच को देखा और आखिरकार 0-1 की हार मिली जी जबरदस्त को। लेकिन मैच में पूरी तरह से छाए रहे जीएस ही जीएस। लेकिन आज उस टीम को देखे और इस रहा है जिस प्रकार जोजोडी या पोंडा कट्टा में खेले थे यकीनन। और उस मुकाबले पर त्रिलोक स्पोर्टिंग ने हालांकि मैच जीता था लेकिन जीएस ब्रदर्स की टीम श्रोताओं का दिल जीता था। क्या मैच खेला था उन्होंने। और इस मुकाबले पर इस ग्राउंड की अगर बात करें जहां तक राकेश और जहां तक गोपी तो इस दोनों को अगर आंखा जाए राजन तो मुझे लगता है गोपी सोए राकेश से कई गुना अधिक स्किलफुल प्लेयर्स है। मैंने देखा भी है काफी करीब से और तमाम श्रोताओं के जनसमूह भी गवाह होंगे कि गोपी सोए की जो स्किल है भले ही गोल स्कोरर में गोपी और राकेश का नाम अमूमन गिना जाता है लेकिन स्किल की अगर बात करें तो गोपी सोए कहीं ना कहीं राकेश से कई गुना ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और अभी भी आपने देखा तीन खिलाड़ियों को चकमा देने के तत्पश्चात गेंद अपने साथी तक पास देना। और एक बात है राजन कि उसके टीम में विक्की जैसा होनहार गोल स्कोरर भी है और वही जसी नंबर 16 कि गोपी एंड कंपनी में दो स्ट्राइकर सामने नजर आ रहे हैं, एक है गोपी सोए और दूसरे हैं हेमंत। आपने सही कहा मुकेश शिवा इसकी गैर मौजूदगी उड़ते हैं मैच की ओर। बिल्कुल अजीत यहां पर कम से कम लंबी दूरी से होने से भी एक दो बार आपको अटेम्प्ट डालनी चाहिए विपक्षी खेमे पर यानी कि पोस्ट और फेम पर। हो सकता है उस टेस्ट में आप पास हो जाएं और आपको फेल करेंगे कौन आपके विपक्षी दल के गोलकीपर। उनसे अगर आपने क्या कथन कही थी फुटबॉल और ग्लव्स यानी कि दस्ताने की अटूट प्रेम अगर बनी ही रहे तो बेहतर है। और जिस दिन वो अटूट प्रेम टूटी तो वहां आपकी किस्मत पूरी तरह से रूठी और फूटी भी। गोलकीपर कतई नहीं चाहेगी वहां प्रेम टूटती हुई देखना, जरूर गोलकीपर चाहेंगे फुटबॉल और दस्ताने की जो अटूट प्रेम। Ay, varam varam.
कुदरे बोल भैया आयो ठीक पास भैया पहुंचा है जब कहता प्लेंट पहुंचेगा भी कोई ऑप्शन नहीं है कमेटी को तो कको सड़ी थे ना लुपे बात आंडे इवन कोम जो मिला को कमेटी को लास्ट मिनट पे ने वैसे तो कोई जो को खिलाड़ी को नरम में खेल रहा था नरम
बॉल निकलने में जब देखो यार जापान में बॉल जापान में चलो ठीक है ना बहुत सारे ठीक नहीं थी पिकेचेंज जापान पे